रख रहे हो जैसे हेलमेट डाल रखा हुआ है, ठीक है, ऊंचाई पे जाते हो तो हार्नेस डालते हो, शूज है, ये आपके किस लिए है? सेफ्टी के लिए है, ठीक है। और अभी कोरोना का काल शुरू है, उसके लिए भी हम सेफ्टी यूज कर रहे हैं, मास्क है हमारे पास, ठीक है, टाइम टाइम पे हम हैंड वॉश भी यूज करते हैं, सैनिटाइजर है, ये सारे हम खुद के सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमारे शरीर के लिए कुछ सेफ्टी भी रखना ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए, ठीक है। तो लैंगिक ज़रूरत ये बहुत नैसर्गिक है, ठीक है, इसको 100 में से एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लैंगिक संबंध जो भी है वो बहुत नैसर्गिक है, हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ख्याल बरतने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोविड के ऊपर अभी तक प्रॉपर कोई दवाई नहीं निकली है, इंजेक्शन अभी अभी आए हैं लेकिन वो भी प्रॉपर सबको नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए ख्याल ही बरत रहे हैं। उसी प्रकार HIV भारत में बहुत सालों से है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ भी दवाई नहीं, ठीक है। अभी अभी गए 10 सालों में वो जो HIV डिजीज है उस पर गोलियाँ निकली हुई है, लेकिन उससे प्रॉपर ठीक होता नहीं है, इंसान कंट्रोल होता है थोड़ा, ठीक है। तो HIV के बारे में सबसे पहले कुछ जो गलत धारणाएं जो कि बहुत गलत है उसके बारे में पहले बात करें। एक इंसान अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके साथ खाना खाने से, उसका शौचालय यूज़ करने से, ठीक है, उसके साथ शेकहैंड करने से, साथ में रहने से, खाने से HIV फैलता है नहीं, ठीक है। कोविड जैसा HIV नहीं है, कोविड के समय पे दूर दूर रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड संसर्गजन्य है, HIV संसर्गजन्य नहीं है, ठीक है। साथ रहने से HIV होता नहीं है। HIV के सिर्फ और सिर्फ 4 कारण हैं। एक पहला कारण उसका, जो भी कोई संक्रमित माता होती है उसको बच्चे को हो सकता है, हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है, होता ही है, ऐसा नहीं। दूसरा, बहुत पहले जब इंजेक्शन देते थे वो एक ही सुई किसी और को यूज़ किए जाती थी, बहुत पहले की बात है, अभी ऐसा नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी HIV का ट्रांसमिट होता था। तीसरा, लोग बहुत नशा करते हैं, नशे में कुछ तो इंजेक्शन देते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि वो नशे में होते तो पता नहीं चलता इसके असली इसके इसका इसका, तो उसमें भी चांसेस है लेकिन होता ही है, ऐसा नहीं। चौथा और सबसे बड़ा रीज़न है असुरक्षित लैंगिक संबंध। गए 10 सालों में भारत सरकार ने इसका सर्वे जब किया था तब 3 जो कारण है उसका रेशो बहुत कम है, उसका टक्केवारी जो है बहुत कम है। सबसे बड़ा कारण जो गवर्नमेंट ने बताया है और सर्वे में भी यही है कि असुरक्षित लैंगिक संबंध, ये सबसे बड़ा HIV का खतरा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सक्षम लिखा हुआ है ये कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ स्थलांतरित लोग होते हैं उनके HIV चेकअप के लिए सक्षम ये ऑर्गेनाइजेशन इसी एरिया में, पुणे पिंपरी चिंचवड एरिया में काम करती है, ठीक है। जैसे कि सर ने अभी बताया, ये टेस्ट अगर आप बाहर करने जाओगे तो ये 700-800 से लेके आगे 1000 के ऊपर है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का है इसलिए आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ रहा है मैं जो बोल रही हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारी संस्था स्थलांतरित लोगों के लिए HIV के ऊपर काम करती है, रोग के ऊपर काम करती है, और कॉन्डम जो कि यहाँ पे जो बॉक्स लिखा हुआ रखा हुआ है जिसमें निरोध लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम बेच नहीं सकते, ये गवर्नमेंट का ही है, ये गवर्नमेंट ने आपके लिए ही दिया है, हमारा काम है पहुँचाना, तो ये कोई भी तरीके का प्राइवेट या पैसों वाला काम नहीं है, हम आपके लिए फ्री में आपके सेवा दे रहे हैं। सर ने भी अभी अपने लेक्चर में एक बात बोली, कल यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं थी लेकिन आज बहुत कम लोग हैं,
तो जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ फ्री में मिलती है शायद उसकी कीमत कम होती है, लेकिन ये आपके हेल्थ के ही लिए है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा जो डिसीज़ है वो है गुप्त रोग। गुप्त रोग के बारे में जानते हो आप लोग? कहीं सुना होगा, सुना होगा लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो मैं अभी आसान भाषा में बताती हूँ। लैंगिक अवयव के आसपास में खुजली होना, पेशाब करते टाइम बहुत सारा जलन होना, ठीक है, लिंग से सफ़ेद पीला या नीला कलर का पानी निकलना, उससे दुर्गंधी आना, या शारीरिक संबंध रखते हुए मतलब रखने के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये गुप्त रोग के लक्षण हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ये लक्षण दिखाई दिए मतलब गुप्त रोग है ही, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अब से कोई भी पैसा नहीं लेगा, ठीक है। आसपास में शायद अवन जो है ना, अवन हॉस्पिटल जो जिला रुग्णालय है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास से एक भी रुपये नहीं लेंगे। लेकिन कब? जब आप लोग खुल के बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, खुद की मदद खुद करोगे तभी शायद सेफ रहोगे, ठीक है। तीसरा कॉन्डम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्डम के तीन फायदे हैं, एक गर्भधारणाएँ रोक सकती है, गर्भधारणा होती नहीं है कॉन्डम पहने। दूसरा गुप्त रोग से बचाव होता है, ठीक है, और तीसरा HIV से दूर रखता है कॉन्डम। अगर कल भी हम कहीं और साइट पे गए थे, उन्होंने ऐसी वर्कर में से किसी ने पूछा था कि हम हमारे पति पत्नी के साथ जब संबंध रखते हैं तभी हमको कॉन्डम यूज करना है क्या? तो नहीं, अगर किसी इंसान का एक से ज़्यादा पार्टनर होता है तो वो रिक्स में आता है, थोड़ा धोखे में आता है, तो ही कॉन्डम यूज़ करना है, ठीक है। पति पत्नी के साथ शादी होने के बाद जो संबंध होता है, अगर पार्टनर एक ही रहा तो कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अगर आपके एक से ज़्यादा पार्टनर है तो आपको कॉन्डम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार अपना खुद का HIV जांच करना खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे हो, आपका परिवार कहीं और है, वो आपके भरोसे है। अगर आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, तो ही आपका परिवार सुरक्षित रहेगा।